जय हिंद दोस्तों फाइनली वो दिन आ चुका है जितने भी बच्चे CUET 2024 एग्जाम का तैयारी कर रहे हो ध्यान से सुन लो मैंने आपको आज से एक महीने पहले वादा करा था कि भैया आपके CUET 2024 एग्जाम का कंप्लीट प्रिपरेशन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में कराऊंगा वो भी इसी यूट्यूब चैनल पर आज से पहले भैया तेईस हजार बच्चों को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने टेलीग्राम के थ्रू स्टडी मटेरियल रिसोर्सेज मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी रिसोर्सेस हो सकते थे फ्री में हमने प्रोवाइड करा और अब अप्रैल से ये मैं आपको वादा करता हूं कि आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन क्लासेस फ्री में क्रैश कोर्स इसी चैनल पर यूट्यूब चैनल पर आएंगे इसी चैनल पर तो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं बच्चों मैं विशाखा मैम आज से मैं आपको जनरल टेस्ट टेस्ट पढ़ाऊंगी और जनरल में ईच एंड कवर करवाऊंगी ये नहीं कि मैं कुछ भी करके छोड़ दूंगी नहीं मैं आपको रीजनिंग जनरल नॉलेज मैथमेटिक्स ईच एंड एवरीथिंग आपके सीयूटी प्रिपरेशन में हेल्प करूंगी और जहां तक मुझे मुझसे हो सके मैं वहां तक आपका प्रिपरेशन करवाऊंगी ताकि आपका सीयूटी एग्जाम क्रैक हो सके अच्छे से ठीक है ओके सो थैंक यू सो मच मैम हमारे तो चैनल तो पर आने के लिए और मैम मैं भैया आपको वादा करता हूं जितने भी स्टूडेंट्स हो ना मैम तुम्हारा पूरा साथ देने वाली है आपके पूरे सी प्रिपरेशन में और एक और बात मैं बता दूं कि ये दू के क्रैश कोर्स में हमारा जो ये ऑसवाल का बुक है ये रिसोर्सेज है इसी के थ्रू हम पूरा सिलेबस आपका कवर कराएंगे क्योंकि ये वन ऑफ दी ट्रस्टेड सोर्स है ट्रस्टेड रिसोर्सेज है तो इनकी पूरी लिंक्स आपको इस कमेंट में पिंड मिलेगी मैं प्रमोशन नहीं कर रहा दिल से बोल रहा ताकि आप अपनी पढ़ाई क्या होगा कि मैम पढ़ाएंगे इस बुक से आप किसी अदर बुक से पढ़ोगे तो बेटर

एनोलॉजी मीन्स फाइंडिंग लॉजिक बिटवीन टू गिविन वर्ड्स इन विच दे आर रिलेटेड आफ्टर फाइंडिंग अपलाई सेम लॉजिक विथ अदर पेयर ऑफ वर्ड्स इन विच यू आर रिक्वायर टू फाइंड आउट एनोलॉजी मीन्स कि आपको कोई दो वर्ड में रिलेशन फाइंड करना है सिर्फ दो वर्ड में ही नहीं नंबर्स अल्फाबेट्स और भी कुछ कुछ चीजें जिसमें आपको सिर्फ रिलेशन फाइंड करना उससे पता चलेगा कि एनोलॉजी है जिस लाइक like कि हेयर इफ आई राइट इफ आई राइट कैट इस टू डॉ अगर मैं ऐसे कहूँ कि इसको आपको रिलेशन बताना है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है एक कैट डॉग है क्या बोलोगे एनिमल है ये इट इज अ एनिमल मैं कहूँ कि इसको अलग कुछ बताओ तो क्या कहोगे इट इज अ पेट एनिमल यस इट इज अ पेट एनिमल नाइस तो यहाँ एनोलॉजी का मतलब यही है कि आपको रिलेशन बताना है अल्फाबेट के बीच में नंबर्स एनोलॉजी वर्ड्स एनोलॉजी इज द टाइप्स ऑफ एनोलॉजी एनोलॉजी के कुछ टाइप्स भी है कुछ प्रकार भी है लाइक एल्फाबेट एनोलॉजी नंबर एनोलॉजी एंड वर्ड एनोलॉजी लेट सी एंड फाइन फर्स्ट अल्फाबेट एनालॉजी इन दिस टाइप ऑफ एनोलॉजी टू ग्रूप लेटर रिलेटेड टू ईच अदर समे आर गिवन इट मीन्स की अल्फाबेट एनोलॉजी एनॉलॉजी आपको ये बता रहा है कि यहां पर दो आपको लेटर दिए जाएंगे जैसे ए इज बी एंड कुछ और भी ले, ले लेंगे इनके बीच में आपको क्या फाइंड करना है क्या रिलेशन फाइंड करना है तो रिलेशन में कैसे पता चलेगा हमें तो यही नहीं पता कि ए और बी हमने तो बचपन से पढ़ा है ए बी ए टू जेड सबने पढ़ा है तो इसका रिलेशन कैसे बताएंगे हमें नहीं पता लेट्स सी कैसे इसका रिलेशन बताएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हियर लुक है एवरी वन हेयर राइट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल म एंड सॉरी एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड हेयर ये तो ए टू जेड सबको पता है है ना अब मैं यहाँ नंबरिंग करूँगी ध्यान से देखिएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टवेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स अब आप कहेंगे कि मैम ने तो नंबर लिखा है और फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लेफ्ट से राइट लिखा है फिर नीचे आके फिर मैंने एंसर रिवर्स किया क्यों किया है ये मैं अभी आपको बताऊंगी और नंबर का क्या मतलब है वो भी आपको अभी पता चलेगा क्वेश्चन आर क्वेश्चन आर बिकमिंग ईजियर सॉल्व इफ यू मेमोराइज दिस अगर आपको ये याद रहेगा कि कौन से पोजिशन पे ये ए का पोजिशन वन है राइट अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ए का पोजीशन वन बी का पोजीशन टू सी का पोजीशन थ्री ऐसे ही पूरा ए से लेके जेड तक जाएगा तो और वही फिर उसके बाद अगर हम इसको रिवर्स करेंगे जस्ट लाइक कि हियर अब Z का पोजीशन ये भी रहेगा और वन भी रहेगा क्यों तो देखिए A टू हम अगर ऐसे जाएंगे फिर उसके बाद Z टू A जाएंगे तो Z टू A जाएंगे तो रिवर्स हो जाएगा चेंज हो जाएगा नंबर्स चेंज हो जाएंगे जैसे लाइक कि Z का वन Y का टू X का थ्री अपोजिट और जब भी हम सम करेंगे अपोजिट नंबर्स का वो हमेशा ट्वेंटी सिक्स ही आएगा रुक वेट ही सॉरी ट्वेंटी सेवन आएगा अब जब भी हम अपोजिट नंबर उसको सम करेंगे तो हमेशा क्या आएगा ट्वेंटी सेवन है जेड ट्वेंटी सेवन है सॉरी ट्वेंटी सिक्स है फिर ए क्या है वन है ट्वेंटी सिक्स प्लस वन इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन लुक है वाई क्या है ट्वेंटी फाइव है एंड बी क्या है टू है ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी फाइव प्लस टू इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन इसका सम हमेशा ट्वेंटी सेवन आएगा एंड देन आफ्टर अगर आपको ये जब तक ये नंबर याद नहीं रहेगी एनालॉजी आपसे सही से सॉल्व नहीं होगा और पेपर में क्या होगा सी के पेपर में आपको ये लिखना पड़ जाएगा अगर आपको याद नहीं रहेगा उससे क्या होगा हमारा टाइम लैप्स होगा कुछ नहीं होगा बस टाइम लैप्स जाएगा क्योंकि हम इतना फास्ट नहीं लिख पाएंगे हमारे पास भी कम टाइम रहते हैं जी के लिए अगर आपको ये याद रहेगा तो आप दो मिनट में एनालॉजी के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ठीक है अब लुकिए नेक्स्ट अब एनालॉजी बेस्ड ऑन अल्फाबेट इसके भी कुछ टाइप्स है टाइप्स ऑफ एनालॉजी ऑन अल्फाबेट लुक फॉरवर्ड ऑफ अल्फाबेटिकल सीक्वेंस इसके भी सीक्वेंस है सेकेंड बैकवर्ड अल्फाबेटिकल सीक्वेंस वॉर्बल कॉन्सनेंट रिलेशन स्किप लेटर रिलेशन एंड जम्मल रिलेशन ये सारे है. इसके टाइप्स है अब मैं बताऊंगी कि फॉरवर्ड अल्फाबेटिकल सीक्वेंस क्या होता है बैकवर्ड क्या होता है वॉवेल आपको पता है स्किप करना सिखाऊंगी जंबल सिखाऊंगी ठीक है फॉरवर्ड में जस्ट लाइक की हेयर आई हैव टू राइट हेयर आई राइट लुक सी डी ई या वेट जी एच जे के ये हो गया हमारा फॉरवर्ड अल्फाबेटिकल सिक्वेंस इट मीन की सी डी एक साथ जी एच एक साथ जे के एक साथ ठीक है अब इसी को हम लोग उल्टा करेंगे यानी बैकवर्ड बैकवर्ड लाइक की जी एच को पहले लिख लेंगे और सी डी को पहले फिर जे के वैसे ही रह जाएगा क्योंकि हमने दूसरा कुछ दिया नहीं है तो वैसे ही तो ये हो गया हमारा बैकवर्ड क्या हो गया ये हमारा बैकवर्ड अल्फाबेटिकल सीक्वेंस अब देखिए हमारे यहां वॉवेल कॉन्सोनेंट एंड रिलेशन वॉवेल कॉन्ट एंड रिलेशन अब सब सारे ने अपने यूनिवर्सिटी में स्कूल में वॉवल तो सबने पढ़ा है सबको पता है कि वॉवल्स क्या होता है अगर नहीं पता तो मैं यहाँ फिर से बता रही हूँ ए ई आई ओ यू ये क्या है वॉवल्स है और कॉन्सोनेंट तो पता ही है जो ए आई -E ओ जिससे नहीं आता है वो लेटर्स क्या हो गया सारे कॉन्सोनेंट्स हो गए क्या हो गए सारे कॉन्सोनेंस हो गए ठीक है स्किप लेटर रिलेशन इसके बाद क्या पढ़ेंगे वोवेल कॉन्सोनेंट रिलेशन के बाद स्किप लेटर रिलेशन स्किप लेटर रिलेशन मतलब अब जैसे देखो ए बी सी हियर जी जी एच आई इज टू के एल पी क्यू आर ठीक है ए बी सी जी एच आई जे के एल पी क्यू आर अब इसमें रिलेशन फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे अभी मैंने बताया आपको ये स्किप लेटर रिलेशन है इसमें कोई ना कोई एक लेटर मिसिंग है और कैसे सीक्वेंस होना चाहिए अगर आप जैसे आपने कभी बिटवीन क्या होगा आफ्टर क्या होगा बिफोर किया होगा कभी मिसिंग नंबर किया होगा बचपन में तो मिसिंग नंबर वैसे ही स्किप लेटर रिलेशन है स्किप लेटर रिलेशन अब जैसे ए बी सी अब यहाँ क्या दे दिया जी एच आई अब आपको यहाँ फाइन करने का लगेगा फाइन दो मिसिंग लेटर ठीक है अगर यहां कहेगा कि फाइंड द मिसिंग लेटर तो कैसे पता करोगे ऑप्शन तो दे रहेंगे लेकिन जब हमें पता ही नहीं रहेगा कि कैसे निकालना है कैसे पता चलेगा जब हमें पता नहीं हमें लेटर का पोजिशन नहीं पता स्किप लेटर नहीं पता तो कैसे करेंगे नहीं पता चलेगा तो क्या करेंगे सी है ए टू जेड सबको आता है ठीक है तो यहाँ एच जीएचआई अब इसमें रिलेशन फाइंड करना है तो क्या करेंगे यहां पे ए बी सी सी के बाद क्या आता है डी ई एफ तो क्या मिसिंग है यहां पे क्या मिसिंग है हमारा ये डी ई एफ ये हमारा यहाँ मिसिंग है तो इसी को क्या कहते हैं स्किप लेटर रिलेशन इसको क्या कहते हैं स्किप लेटर रिलेशन ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगा और प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये जितने भी कंटेंट है ये हमारे ओसवाल का कंटेंट है आप ओसवाल बुक ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है वहाँ से इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं प्रैक्टिस के साथ बिना प्रैक्टिस के साथ सीओ एग्जाम नहीं होगा ये सिर्फ प्रैक्टिस की चीज़ है और रीजनिंग हो गई या मैथ्स हो गई वो सिर्फ प्रैक्टिस पे आएगा ठीक है नेक्स्ट चलता है नेक्स्ट है हमारा जंबल वर्ड रिलेशन क्या है जंबल लेटर्स रिलेशन क्या है जंबल लेटर रिलेशन अब जंबल लेटर्स रिलेशन में क्या है कि आपने रीअरेंजिंग सिखा होगा बचपन में जैसे आप देखो जैसे मैंने लिखा ए चलो यहाँ देख लो एल अब इसको कह दो कि इसको अरेंज करो जाहिर सी बात है आप आसानी से बता दो क्या हो जाएगा ए डबल पी एल ई एप्पल कह दो कि, यस मैम एप्पल ईयर यस यहाँ एप्पल लिखा पर जरूरी नहीं है कि इतना इजी एग्जाम में आएगा इसके लिए आपको वो कैब प्रैक्टिस होनी चाहिए डेली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और करना ही होगा तो ही आपका सीयूटी का एग्जाम होगा हि लुक इफ एग्जाम्पल देख लो स्किप लेटर का सॉरी जम्बल लेटर का इफ आई राइट एल ए आई एन और इसको कहूं कि इसका रीअरेंज करो क्या करोगे तो मैं देखो ध्यान से देखो पता चलेगा इसका कैसे रीअरेंज करोगे तो ये वो से ही आएगा और प्रैक्टिस से ही आएगा यू हैव टू प्रैक्टिस अबाउट इट ठीक है तो यहां देखो एन ए आई एल और क्या हो गया एल ओ वी ये क्या है रीअरेंजिंग ये है जंबल लेटर्स एनोलॉजी और ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो ही ये आएगा ठीक है ये हो गया हमारा ये अल्फाबेटिकल सारे अल्फाबेटिकल सिक्वेंसेज में है तो ये आप हेयर ये आप कैसे सॉल्व करोगे देखो सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड लेटर क्लस्टर इन द सेम वे एज अ सेकेंड लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट लेटर क्लस्टर अब यहाँ देखो यहाँ कह रहा है कि जो थर्ड लेटर क्लस्टर है ये यानी कि ये हमारा कैसे रिलेट करेगा तो पहले उसके लिए हमें क्या फाइंड करना होगा पहले हमें इनका और इनका रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा तो जाके ना इनका रिलेशन पता चलेगा कि इनका रिलेशन और इनका रिलेशन क्या है पहले हमें इन दोनों का रिलेशन फाइन करना आक पड़ेगा ठीक है तो हेयर आई राइट डी ए डी ए एस एच और फिर क्या लिखा है एफ वाई यू एफ हेयर इट इज राइट अब इसमें हमको रिलेशन फाइन करना है तो रिलेशन कैसे फाइंड करें अब क्या लिखा है डी और डी और एफ के बीच में ये देखो डी और एफ के बीच में क्या रिलेशन दिख रहा है एक लेटर का मिसिंग दिख रहा है किसका ई e का ई e का मिसिंग दिख रहा है है ना तो यहाँ क्या करें यहाँ देखो डी ई e. वैसे ही एक अब मैम कहोगे कि मैम यहाँ तो बी बी के बाद तो वाई आता ही नहीं है एग्जैक्टली exactly. बी के बाद वाई नहीं आता है तो इसमें क्या हो रहा है रिवर्स हो रहा है तो ए के बाद ए के बाद हम फिर से ए तो शुरू करते नहीं है एक बार रिवर्स जाएंगे तो जेड आएगा ना जेड वाई एक्स यही आएगा ना तो वैसे ही यहां पे अगर यहां पे क्या होगा हाँ तो यहां पे क्या आ गया Z S के बाद क्या होगा S के बाद हम आएंगे तो फिर यहां फिर S के बाद यहां पे आएंगे तो यहां पे क्या होगा T तो टी यहां पे मिसिंग है फिर H के बाद क्या आएगा फिर H के बाद आएगा फिर क्या जाएगा रिवर्स जा रहा है फिर क्या यहां पे हो रहा है यहां पे फिर रिवर्स जा रहा है क्या हो रहा है यहां पे फिर रिवर्स जा रहा है तो यू हैव टू राइट यहां पे यहां पे प्लस जी एच एफ अब यही रिलेशन हमें इसमें फाइंड करना है लुक बोर्ड जस्ट राइट यहां यहाँ ना? ना लिखा बी ओ ए आर डी अब यहां पहले हमने क्या किया प्लस किया किया ना क्या किया हमने यहां पे प्लस किया पहले सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ पे प्लस, प्लस किया तो फर्स्ट यहाँ पे प्लस टू लिखना है तो लिखो नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं अगर आपको याद आएगा इसलिए कह रही हूँ कि सीरीज याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको अल्फाबेट का पोजीशन नहीं याद है तो आपसे ये सॉल्व होने में बहुत टाइम लगेगा इसलिए बेटर है कि आपको ये सिक्वेंस याद रहनी चाहिए इसलिए आप लिख लो अपने कॉपी में और इसको अच्छे से प्रिपेयर करो ओके लुक है अब यहाँ प्लस टू किए तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे डी आएगा सी के बाद सीधे डी आएगा ठीक है फिर यहाँ पे क्या करेंगे माइनस टू करेंगे यहाँ क्या आ जाएगा एम आ जाएगा फिर प्लस टू करेंगे फिर यहाँ क्या आ जाएगा सी आ जाएगा फिर यहाँ माइनस करेंगे माइनस टू करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पी आ जाएगा फिर यहाँ पे प्लस टू करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ आ जाएगा ठीक है अब देखो इसका सीक्वेंस क्या आ गया डी एम सी पी एफ़ ये हमारा सीक्वेंस है आ गया ऑप्शन चेक करो क्या ये है हमारा आंसर चेक करो तो कहाँ पर हियर देखो ये है हमारा आंसर ठीक है ऐसे ही और इसको और फास्ट करना है ये नहीं कि एकदम धीरे धीरे स्लोली स्लोली नहीं आपके पास हर क्वेश्चन के लिए सिर्फ मुश्किल से आधे सेकंड होते हैं अगर इसको नहीं आधे मिनट होते हैं या फिर आधे सेकंड होते हैं इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे ठीक है लुक लुकिए चलो नेक्स्ट मूव हाँ सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म अब यही है वही सेम क्वेश्चन है यहाँ पे थर्ड टर्म को कह रहा है जो फर्स्ट टर्म को फर्स्ट को जैसे रिलेट किया वैसे ही सेकेंड को रिलेट करना है तो कैसे करेंगे देखो अब यहाँ देखो क्या दे रखा सी ए जी जी ई के अब इनका पहले रिलेशन फाइंड करेंगे तो ना हमें पता चलेगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे पता चलेगा कैसे पता चलेगा देखो अब यहाँ पे सी से जी तक जाने के लिए क्या डी ई एफ जी चार लेटर लग रहे हैं क्या लग रहे हैं फोर लेटर्स तो प्लस फोर हो रहा है अब यहां ठीक फिर यहां से देखो देखो यहां पे क्या ए से जाने के लिए ई तक का फोर लेटर जा रहा है फोर लेटर आ रहे हैं बीच में देखो बी सी डी ई फोर लेटर्स अगेन फोर लेटर्स हेयर फिर से फोर लेटर यानी कि हमारा सीक्वेंस बिल्कुल सही है यहां पे क्या हो रहा है प्लस फोर हो रहा है क्या हो रहा है प्लस फोर चार लेटर आगे जा रहे हैं ना तो यहाँ जी का देखो वैसे ही होगा जी के बाद एच आई जे के फिर फोर लेटर्स तो ये हमारा सीक्वेंस हमें समझ में आ गया आया ना कैसे जा रहा है ये समझ में आया ठीक है अब देखो हमारा नेक्स्ट क्या सॉल्व करना एच ई एल इसका रिलेशन फाइंड करना है किसका एच ई एल का रिलेशन अब यहां देखो एच ई एल अब प्लस फोर जा रहा है ठीक है अब एच के बाद बताओ क्या आएगा एच आई जे के एल तो यू हैव टू राइट हियर एल ई के बाद एफ जी एच आई तो यू हैव टू राइट हियर आई एल के बाद एम एन ओ पी हियर हेयर वी फाइंड एल आई पी मिल गया ठीक है तो अब हमें फाइंड करना कि हमारा यहाँ पे है यस yes, है यहाँ है हेयर नोट दियर एल आई पी ये है हमारा आंसर एल आई पी और इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी पहले आप खुद से कोशिश करो अगर बनता है तो बहुत अच्छी बात है आप प्रैक्टिस करो जरूर बनेगा ठीक है नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट हम लोग करते हैं नंबर न्यूमेरोलॉजी इन दिस टाइप ऑफ एनोलॉजी नंबर्स आर गिवन इन अ ग्राउंड पेयर विच बेयर्स अ सर्टेन रिलेशन एक दो नंबर दिए रहेंगे दो नंबर के बीच में आपको रिलेशन फाइंड करना है जैसे आपने अल्फ़ाबेट वाला किया बिल्कुल उसी तरह नंबर में कर बस इसमें थोड़ा सा खेलने की ज़रूरत है जैसे आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए रूट्स पता होना चाहिए क्यूब पता होना चाहिए ठीक है अगर नहीं पता है तो प्रैक्टिस कीजिए उस चीज़ का इट कवर्स टू टाइप ऑफ क्वेश्चन दो तरह के क्वेश्चन कवर करते हैं कौन कौन से चूज द सिमिलर पेयर एज गिवन इन द क्वेश्चन सिमिलर पेयर फाइंड करना ऐसे क्वेश्चन जैसे आपने मैंने दिखाया आपको अल्फाबेट में कि दो नंबर दो वर्ड्स दिए हैं मैं उन दोनों का रिलेशन निकालो फिर नेक्स्ट का निकालो तो उसी तरह से नंबर में भी सेम चीज़ आपको करना एंड देन चूज अ नंबर डैट इज सिमिलर टू द ग्रुप ऑफ नंबर एक ग्रुप ऑफ नंबर रहेगा उसी की तरह सिमिलर होगा एकदम उसका रिलेशन फाइंड करना तो आपको आपके आंसर्स जरूर मिल जाएंगे ठीक है नेक्स्ट हेयर इसके भी कुछ टाइप्स है टाइप्स ऑफ एन नंबर एनोलॉजी जैसे अल्फाबेट के एनोलॉजी होते हैं वैसे ही नंबर एनोलॉजी है उसके भी टाइप्स है हेयर इवन ऑड नंबर्स तो सबको पता होगा इवन ऑड नंबर्स टू फोर सिक्स एट आर इवन नंबर एंड वॉट इज ऑड नंबर थ्री फाइव सेवन ये सब क्या हो गया हमारे ये ऑड नंबर्स हो गए एंड देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बचपन में सबने किया Once है वन से ले लेके हमने अभी तक ट्वेल्थ तक तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ही खेला है तो ये मुझे नहीं लगता कि एडिशन और सब्ट्रक्शन आपको समझाने की जरूरत है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीज़न ऑफ नंबर्स मल्टीप्लीसन एंड डिवीजन ऑफ नंबर स्क्वायर एंड क्यूब्स मिक्स एनोलॉजी ठीक है तो आज हम ये पहले हम इवन और ऑड नंबर देख लेते हैं आपको तो पता ही है इवन और ऑड नंबर तो मैंने बता ही दिया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लुक है अब अगर हम एडिशन अगर अब हम अगर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं लुक टू थ्री फोर इज टू नाइन टू थ्री सिक्स इज टू इलेवन अब इनका रिलेशन फाइंड करना है तो कैसे पता करेंगे पहले हम चेक करेंगे इसको अब देखो अब थ्रू थ्री फोर नाइन और ये तो उसका कोई सीक्वेंस तो दिख नहीं रहा है हमें प्लस कर सकते ऐड कर सकते मल्टीप्लिकेशन सब करके देख लेंगे पहले हम लोग इसको प्लस करके देखते हैं अब टू थ्री फोर को प्लस नाइन करेंगे ऐसा तो करने से कुछ आएगा नहीं कुछ पता चलेगा नहीं तो क्या करना है हमें टू पहले देखेंगे क्या इन तीनों को प्लस करके क्या हमारा आंसर आ रहा है लेट्स चेक टू प्लस थ्री प्लस फोर इज इक्वल टू नाइन हेयर फोर प्लस थ्री टू ठीक है ये क्या है हमारा नाइन आंसर तो आ रहा है इसको चेक करने से और हमारा नेक्स्ट सिक्वेंस चेक करते क्या उसको चेक करने से सेम आंसर आ रहा है टू प्लस थ्री प्लस सिक्स क्या हमारा आंसर फिर से सेम आएगा इज इक्वल टू इलेवन यस अब यहाँ पे भी ये इलेवन आ गया तो हमने क्या किया यहाँ पे एडिशन किया बिल्कुल इसी तरह आपको सब्ट्रैक्शन आ सकता है मल्टीप्लीकेशन करने आ सकता है डिवीजन करने आ सकता है या फिर स्क्वायर रूट्स भी पता करना पड़ेगा ठीक है नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन डिवीजन आई शो यू द मल्टी ठीक है अब हम लोग मल्टीप्लीकेशन और देखते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ नंबर्स इसका एग्ज़ाम्पल ले लो मान लो थ्री इज टू टू वन इज़ टू सिक्स इज़ टू फोर्टी टू अब मैं कहूँ कि इसका अब मैं कह रही हूँ कि इसका आपको रिलेशन फ़ाइंड करना है थ्री इज़ टू ट्वेंटी वन और सिक्स इज़ टू फोर्टी टू अब मैंने बताया कि अभी हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर लेंगे क्योंकि मैंने आपको बता ही रखा है कि अभी मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन की एग्जाम्पल देख रहे हैं तो यहाँ देखो थ्री इज़ टू ट्वेंटी वन कैसे रिलेशन फाइंड करेंगे ठीक का टेबल काउंट करो अगर टेबल नहीं आता है तो याद कर लो क्योंकि टू टू ट्वेंटी तक अगर टेबल नहीं आता है तो आपको सिक्वेंस में प्रॉब्लम हो सकती है अगर क्यूब्स नहीं आता है रूट्स नहीं आता है उसके में भी प्रॉब्लम होगी जब तक आपको टेबल नहीं आ रहा होगा एटलीस्ट ट्वेंटी तक तो टेबल आपको याद कर लेना चाहिए ठीक है लोके अब थ्री इज टू ट्वेंटी वन है कैसे रिलेशन फाइंड करेंगे हेयर अब मान लो कि मैंने कहा मल्टीप्लीकेशन करके देख लेते हैं तो थ्री के टेबल में ट्वेंटी वन आता है लेट्स चेक थ्री थ्री टू ज़रा सिक्स थ्री थ्री जीरो नाइन थ्री फोर ज़रा टू है थ्री फोर जो टू है थ्री फोर थ्री वन जो थ्री थ्री लेट्स चेक ओके थ्री वंजा थ्री थ्री जीरो सिक्स थ्री थ्री जीरो नाइन थ्री फोर जैर टूवेल्व थ्री फोर टू है थ्री फाइव जो फिफ्टीन थ्री सिक्स जो एटीन थ्री सेवन जै ट्वेंटी वन येस हमारा आ रहा है कितने के बाद कितने टाइम्स में सेवन टाइम्स में तो क्या ये सेवन टाइम्स में ट्वेंटी वन आ जाएगा तो इसका रिलेशन फाइंड हुआ अब पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि ये ट्रू है या नहीं इसका भी तो चेक करना पड़ेगा ना अब सिक्स के टेबल में फोर्टी टू आता है हाँ आता है कितने टाइम्स में सेवन टाइम्स में येस सेवन टाइम्स में भी आपको यहाँ पे फोर्टी टू यानी कि ये ट्रू रिलेशन है इसमें रिलेशन क्या पता है मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन या मल्टीप्लीकेशन से इसका रिलेशन पता चल रहा है यहाँ प्लस माइनस करके देखेंगे नहीं होगा तो हमने मल्टीप्लीकेशन करके देखेंगे तो ये निकल जाएगा तो क्या निकला हमारा यहाँ सेवन से मल्टीप्लाई करने पर थ्री को ट्वेंटी वन आ रहा है ठीक है और उसी तरह से फिर हम डिवीजन का भी करेंगे अगर हम डिवीजन का भी सेम चीज करेंगे स्क्वायर एंड क्यूब्स नंबर में अगर क्वेश्चन दिया रहेगा आपका इजी के लिए फाइव इज टू ट्वेंटी फाइव एंड देन आपको दिया रहेगा सेवन इज टू फोर्टी नाइन अगर ये आपको दिया तो आपको इसका रिलेशन कैसे तो आप कह दो मैम फाइव का फाइव इंटू फाइव इजल टू ट्वेंटी फाइव सेवन इंटू सेवन इजक्ल टू फोर्टी नाइन ठीक है ये ईजी था पर इससे भी हार्ड आज पूछा जा सकता है आपसे अगर फाइव स्क्वायर करोगे ठीक है ट्वेंटी फाइव सेवन स्क्वायर इजक्ल टू फोर्टी नाइन ग्रेट ओके क्लियर है ये एंड उसके बाद आता है हमारा मिक्स एनोलॉजी अब मिक्स एनोलॉजी क्या होता है वो मैं बताती हूँ ठीक so, है लेट्स इरेज दिस अब मिक्स एनोलॉजी में नंबर और अल्फाबेट्स मिक्स करके आएंगे इसको क्या कहते हैं मिक्सड एनोलॉजी अब जैसे ई एफ दे रखा है अब यहां दे दिया फिफ्टी सिक्स जी एच और का पोजिशन दे दिया सेवेंटी एट क्या दे दिया हमारा सेवेंटी एट दे दिया अब बैठ जाओगे कहोगे कि अब ये क्या दे दिया ई एफ का वैल्यू फिफ्टी सिक्स और जी एच का सेवेंटी एट अब मुझे तो पता ही नहीं है अगर आपको अल्फाबेट का सीरीज नंबर्स और पोजीशंस नहीं पता रहेंगे तो प्रॉब्लम होगा इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आपको अल्फ़ाबेट का नंबर याद कर लेना चाहिए ठीक है देखो अब ई e का पोजिशन तो मैंने आपको बताया था क्या था ई e का पोजिशन फाइव एंड एफ का पोजिशन क्या था सिक्स अब यहाँ तो हमें रिलेशन पता चल गया ना इजली पता चल गया जी का सेवन और एट तो क्या है ये पोजिशंस है क्या बता रहे हैं यहाँ पे पोजिशंस बता रहे हैं अल्फ़ाबेट के तो यहाँ पे ई e का पोजिशन फाइव बोला और सिक्स का इससे ये पता चल गया कि ये कुछ नहीं है ये अल्फाबेट का पोजीशन दे रखा है इसका रिलेशन क्या फाइंड करेंगे या इसका अल्फाबेट का पोजीशन दे रखा है ये इजी था पर जरूरी नहीं कि हर बार इजी आएगा ओके नाइस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट अब टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ नंबर एनोलॉजी तो हमें समझ में आए कौन कौन से इवन है ऑड इवन ऑड एडिशन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन स्क्वायर एंड क्यूब्स मिक्स्ड एनोलॉजी अब वर्ड ऑन एनोलॉजी अब जैसे अल्फ़ाबेट हमने सीखा अल्फ़ाबेट वाले अल्फ़ाबेट वाले में ही हमने लेटर्स वाले देखे अब उसका वर्ड्स वाले वर्ड्स वाले मतलब कोई वर्ड जैसे कैट डॉग अभी मैंने आपको शुरू में शुरू में एनोलॉजी पढ़ाने से पहले मैंने बताया कि कैट और डॉग की रिलेशन फाइंड करने के लिए अगर आपसे कह दे कि क्या रिलेशन है तो पेट एनिमल है दोनों सिंपल क्या है पेट एनिमल है तो हमारा जो तो रिलेशन पता चल गया ना पेट पैटर्न बिल्कुल उसी तरह से क्या है हमारा वर्ड एनोलॉजी है बिल्कुल सेम उसी तरह से हमारा क्या है वर्ड एनोलॉजी है और आपको यहाँ पर वही चीज़ आपको देखना है देखो

गेम्स एंड प्लेस ऑफ प्लेइंग स्टडी एंड टॉपिक सिटी एंड रिवर एटलीस्ट ये सब देखो अब मैं बताती हूं टूल्स एंड ऑब्जेक्ट अब जैसे एग्जाम्पल यहां देखो मैंने लिख रखा है सीजर सीजर किससे रिलेटेड है क्लोथ से रिलेटेड है ना क्लोथ से रिलेटेड है क्या है क्लोथ से रिलेटेड है ना अब देखो अब यहां पर सीजर है ये क्लोथ से रिलेटेड है सीनो नेम से रखा यूज यानी बड़ा गिग्नेटिक ठीक है वर्कर्स टूल्स राइटर पेन राइटर को यूज करते पेन पेन यूज करते हैं राइटर का टूल है क्या है पेन है अब जैसे आर्टिस्ट दिया रहेगा उसका टूल क्या होगा ब्रश पेंट एक्सेट्रा ठीक है अब देखो वर्कर्स एंड प्रोडक्ट उनका प्रोडक्ट अब जैसे आर्टिस्ट का आर्ट होता है म्यूजिक जो मतलब जो गाना गाते हैं उनका म्यूजिक होता है राइट write, राइटर का क्या होगा ऑथर का क्या होगा बुक होगा स्टेशनरी जो बेचते हैं उनका स्टेशनरी उनका प्रोडक्ट होगा एंड नेक्स्ट देखो उसी तरह से एनिमल एंड यंग वंस काऊ का काफ है डग का डकलिंग होगा कैट का किटन होगा डॉग का पप होगा ये सब चीज़ें आपको याद करनी होगी क्योंकि एटलीस्ट आपको 2020 तो उसको याद करना होगा क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि एग्ज़ाम में क्या से क्या पूछ रहा है वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आपको बस प्रैक्टिस करनी होगी इसकी और एटलीस्ट आपकी ट्वेंटी ट्वेंटी तो याद होनी ही चाहिए अब कंट्री एंड करेंसी इंडिया का रुपी है तो किसी और कंट्री का कुछ और भी होगा क्वान्टिटी एंड यूनिट है लेंथ है मीटर है उसको करना होगा एनिमल साउंडस है ये तो बचपन में सब जानते होंगे पढ़ा ही होगा कैट का म्याओ डॉग कैसे भोगता है वो सब चीज़ें तो लाइन रॉर उससे रिलेटेड है ना ये लाइन का साउंड क्या है रॉर तो आप एक बार में फाइंड कर लोगे आपको ये चीज़ पता लगेगी कि कैट की आवाज़ क्या है डॉग की आवाज़ क्या है तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ठीक है गेम्स एंड प्लेस ऑफ प्लेइंग गेम्स अब जैसे बैडमिंटन याद दे रखा बैडमिंटन क्या खेलते हैं कोर्ट पे खेलते हैं टेबल टेनिस कहाँ खेलेंगे ऑब्वियसली इंडोर गेम है वो और फिर उसके बाद क्या स्टडी एंड टॉपिक जैसे बर्ड्स की स्टडी को क्या कहते हैं और नीथो लेज... और नीथो लॉजिक बिल्कुल उसी तरह से और भी चीज़ें होंगी स्टोन के आ, स्टोन के आ, जो हमारे पास की चीज़ें को जो पढ़ाते हैं पढ़ते हैं उस स्टडी को क्या कहते हैं वो सारी चीज़ें फिर रिवर एंड सिटी रिवर एंड सिटी वो भी पूछा जा सकता है आ, पूछा जाएगा ही क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी तक मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स कराए वो सारे एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको मिस मत कीजिएगा इसको ज़रूर से ज़रूर करके जाइएगा क्योंकि यही आएगा और इससे ज़्यादा शायद नहीं भी आए और नहीं ही आएगा क्योंकि सिटी एंड रिवर इज़ इम्पोर्टेंट जैसे आगरा एंड दिल्ली से यमुना हमारे पटना से क्या जाता है गंगा जाता है बिल्कुल इसी तरह से और एट लिस्ट ट्वेंटी की लिस्ट तो आपके पास होनी ही चाहिए क्या होनी चाहिए ट्वेंटी के लिस्ट होनी ही चाहिए अगर आपको ये याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए आपके एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम बचा है हार्डली आपके पास वन मंथ है इसको जल्दी से कंप्लीट कर लीजिएगा ठीक है हियर चलिए हम कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं देखिए हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट एंड किडनी अब ये बताओ हार्ट के हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट और किडनी क्या रिलेशन है अगर कुछ कोई बायो का को स्टूडेंट या बेसिक ज़रूरी नहीं कि बायो का स्टूडेंट होंगे सिर्फ उन्हीं को बता होगा जो बेसिक होगा उन्हें भी पता होगा कि हार्ट के हार्ट के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं तो किडनी के डॉक्टर को क्या कहें हार्ट के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं तो किडनी के डॉक्टर क्या कहेंगे नेफ्रोलॉजिस्ट ये सब चीज़ें याद करने की है ये तो दिमाग से आएगा नहीं ये सोचोगे कि मैं ऑप्शन देख के चेक कर लूँगा टिक कर लूँगा ऑप्शन देख के भर लूँगा नहीं ऐसे नहीं होगा ये आपको पता होना चाहिए जब तक आप रिलेशन फाइंड नहीं करोगे तब तक नहीं पता चलेगा और याद करना तो बहुत जरूरी है ये सब चीज़ें बेसिक चीज है ये आपको डे, यूज डेली लाइफ में यूज करते हो तो ये पता होना चाहिए जरूरी नहीं है कि टीचर पढ़ा रही तो ही आपको पता चले नहीं ये इसके लिए आपको देखो अब आप देखो यहां दे रखा है मून और सेटेलाइट मून हमारा क्या बचपन से पढ़ा है सोलर सिस्टम सोलर सिस्टम तो सबने पढ़ा है ना उसमें देखा है ना मून को क्या सैटेलाइट कहते हैं तो वैसे ही अर्थ को क्या कहेंगे सन ना कोई कनेक्शन है नहीं है सोलर सिस्टम सोलर सिस्टम का पार्ट है पर यहां तो सोलर सिस्टम यहां तो मून को ही सैटेलाइट कह रहा है मून सैटेलाइट है हमारा तो अर्थ क्या होगा हमारा होगा अर्थ हमारा क्या होगा होगा ठीक है अब देखो किंग पैलेस किंग रहता है पैलेस में रहता है किंग रहता है हमारा किंग कहां रहता है हमारा पैलेस में रहता है तो स्कीमो अब कहोगे मैम मुझे तो पता नहीं स्कीमो किसे कहते हैं तो उसे कहते हैं जो कहा स्कीमो ग्रुप ऑफ पीपल जो कहा रहते हैं आर्टिक में कहा रहते हैं आर्टिक साइड में लाइक नॉर्दर्न कैनेडा अलास्का ईस्टर्न साइबेरिया एंड अदर पार्ट ऑफ आर्टिक और दो अलग अलग पार्ट आर्टिक के अलग अलग पार्ट में रहते हैं क्या बोलते हैं स्कीमोज बोलते हैं वहां रहने वाले लोगों को स्कीमोज बोलते हैं मोस्टली ये लोग इग्लू बना के रहते हैं कहाँ रहते हैं लोग इग्लू में रहते हैं बर्फ वाली जगह पे ही रहते हैं जो बर्फ़ वाली जगह पे रहते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग स्कीमोज बोलते हैं अब ये अब सबको पता होगा कि स्कीमोज है बर्फ वाली जगह पे रहते हैं तो बर्फ तो तैरा तो जाएगा नहीं वहाँ पे मॉनिस्ट्रीज होगी नहीं वहाँ पे जाइलम तो बिल्कुल भी नहीं होगा तो क्या होगा इग्लू होगा हमारा इग्लू और फर्स्ट डे मैं अब आप आपको कह रही हूँ प्रैक्टिस के लिए तो आपको प्रैक्टिस के साथ साथ चीज़ों को एलिमिनेट करने भी आना चाहिए मतलब जैसे कि अगर आप मान लो कि ठीक है आप इन दोनों में कहीं कही ना कहीं किसी भी क्वेश्चन में कहीं कही ना कहीं थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न रहेगी तो होता है ना कि फंस गए अब हम क्या करें उसमें तो कुछ चीज़ों का अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी ना चीज़ों की तो आप एलिमिनेट करना जान जाओगे जैसे कि आंसर को एलिमिनेट जैसे मैंने बताया कारावान तो हो नहीं सकता कैसे चलेगा बर्फ मॉनिस्ट्रीज कैसे होगा तो बुद्धा के टाइम थे अभी भी होंगी लेकिन लेकिनम जहाँ मैड हाउस वगैरह बोले जाते हैं जाइलम को तो इग्नू कहाँ होगा वहाँ पर अब देखो अब जैसे मैंने खुद ही कहा कि बर्फ वाली जगह पे जो लोग रहते हैं उनको क्या बोलते हैं स्कीमोस बोलते हैं तो फिर यहां पे क्या हो गया इग्लू ही उसका हो गया क्या हो गया इग्लू इसका आंसर हो गया क्या हो गया इग्लू इसका आंसर हो गया अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेलेक्ट द वर्ड्स पेयर इन विच द टू वर्ड्स आर रिलेटेड इन द सेम वे आर द सेम आर द टू वर्ड्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स पेयर अब यहां दो दे रखा है दो फाइंड करना अभी तक तो हमने क्या किया एक दो आ, एक, एक का रिलेशन बताना था और एक का दे रखा था कि हाँ इसका रिलेशन फाइंड करना अब यहाँ पे तुमको सिर्फ कोच और प्लेयर देना है दे, दे रखा है और बाकी का तुमको रिलेशन फाइंड करना है क्या करना है बाकी है? अब कोच और प्लेयर का रिलेशन क्या है तो कोच क्या होता है एक टीचर काइंड ऑफ टीचर होता है जो सिखाता है, है ना तो कोच क्या होता है सिखाता है क्या कैप्टन और टीम में रिलेशन है कैप्टन हमारी टीम को आ, सिखाता है कि ऐसे करो वैसे करो मतलब ठीक है ऑर्डर देता है पर सी, सीखना तो उसे ही पड़ता है तब ना जाके वो ऑर्डर देता है सिखाता है कौन है उसे? टीचर ही सिखाता है अंपायर एंड क्रिकेटर अंपायर एंड क्रिकेटर में कोई है नहीं बिल्कुल भी नहीं है सब लोग क्रिकेट देखा अभी आईपीएल का, आई का टाइम चल रहा है सब लोग देख ही रहे अंपायर का क्या रोल है क्या नहीं रोल है तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता टीम एंड प्रैक्टिस टीम एंड प्रैक्टिस का भी कोई मेजर वो नहीं दिख रहा है रिलेशन हमें बचा क्या ओ ओम मिस्ड वंस ठीक है हमने यहाँ पे एक छोड़ दिया क्या छोड़ा हमने देखो ये छोड़ा टीचर एंड स्टूडेंट यस टीचर एंड स्टूडेंट टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन क्या है टीचर सिखाती है स्टूडेंट को सीखना पड़ता है जैसे मैं अभी आपको सिखा रही हूँ अभी सिखा रही हूँ कि आप कर लो आपसे हो जाएगा आपको अपनी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ मिलेगी अगर आप एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हो तो और जी का बहुत मेजर रोल है हर यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द यूनिवर्सिटी तो इंग्लिश लैंग्वेज पेपर और जनरल टेस्ट तो जनरल टेस्ट के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन हो रहा है तो आपको ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है तो यहाँ हमें क्या मिल गया कोच प्लेयर को सिखाता है टीचर स्टूडेंट को सिखाती है रिलेशन फाइंड हो गया और ऐसे ही बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम्स में हर जगह अगर डेली लाइफ में भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप रिलेट कर सकते हो इसको लेकिन इसको देखना प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है अब ये दो मैं आप पे छोड़ती हूँ ये दो आपको खुद ही प्रैक्टिस करना है और खुद ही बनाना है और मुझे अपना आंसर्स अप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना मैं ज़रूर चेक करूँगी उसको कि आपने किया या नहीं किया ओके गुड फिर देखो अब सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ बहुत शॉर्टकट है बस देख लो कि क्या क्या हो सकता है एनोलॉजी से और क्या क्या बन सकता है कैसे बोलो अभी तो हम बहुत सारे कन्फ्यूजन कि मैम इतना सारा क्वेश्चन करवा दी ये करवा दी वो करवा दी लेकिन एक माइंड मैप होना बहुत इंपॉर्टेंट है अब देखो एनोलॉजी मैंने पढ़ाया अब एनोलॉजी के टाइप्स भी मैंने बताया कितने टाइप्स बताए नंबर बताया अल्फाबेटिकल बताया, बताया और क्या बताया वर्ड एनोलॉजी बताया।, बताया बताया ना अब देखो पहले हमने बनाया अल्फ़ाबेटिकल एनोलॉजी अल्फाबेटिकल एनोलॉजी में मैंने वाबल्स बताया वॉबल्स का ए यू देख लो ए यू हाफ ए आई हाफ हाफ सेकेंड फर्स्ट हाफ ये फर्स्ट हाफ किसको बोलेंगे ए आई और सेकेंड हाफ ओ यू को ठीक है उसके बाद मैंने क्या बताया अल्फ़ाबेट का पोजिशंस बताया आपको क्या बताया पोजिशंस बताया ए का वन बी का टू ऐसे ही जेड का ट्वेंटी सिक्स सारे बताया ना वैसे यहाँ दे रखा है ए का ए का यहाँ पे वैसे दे रखा है क्या दे रखा है ए का वन एम का थर्टीन दे रखा है क्या दे रखा है ए का एम का थर्टीन तो अभी भी मैं कह रही हूँ प्रैक्टिस करो और सीरीज़ याद कर लो ए का पोजीशन बी का पोजीशन याद रहेगा ना पूरा ए टू जेड तो प्रॉब्लम नहीं होगी रिवर्स वाला अगर नहीं होता चलो कोई बात नहीं लेकिन ऐसे तो याद कर लो जैसे एट से लेके जेड तक डायरेक्ट याद कर लो वन टू ट्वेंटी सिक्स हाँ नेक्स्ट क्या हमारा अपोजिट अल्फ़ाबेट्स मैंने बताया अपोजिट जैसे जेड का ए बी का वाई वैसे ही आपका सारा अपोजिट उसमें डिस्कस किया एंड देन वी मूव टू द नंबर एनोलॉजी फिर हमने नंबर एनोलॉजी में देखा स्क्वायर क्यूब देखा अर्थमेटिक देखा ज्योमेट्रिक देखा और क्या देखा प्रायोरिटी सिक्वेंस क्या है हमारी स्क्वायर क्यूब एड सब्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स ऑपरेशंस प्राइम नंबर एंड डिजिबिलिटी ये सब हमारे क्या है uh, ये सब हमारे प्रायोरिटी सिक्वेंस है ये, अगर चलो थोड़ा बहुत भी अगर ये नहीं पूछ रहा है अर्थमेटिक जोमेट्रिक नहीं पूछ नहीं बनेगा इससे तो इससे तो ज़रूर बन जाएगा क्योंकि ये प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से आपका नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन सॉल्व होगा इसी से आपका नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन सॉल्व होना है ठीक है मिसलेनियस मतलब मिक्स करके भी आ सकता हो सकता है अभी मैंने दिखाया कि मैंने क्यूब लिखा फिर माइनस किया फिर प्लस प्लस वाला भी किया तो वैसे आंसर आया मेरा तो वह उस तरह से भी आ सकता है ठीक है थर्ड हमने पढ़ा वर्ड एनोलॉजी अब वर्ड एनोलॉजी में जी जनरल साइंस और हाँ जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में भी, भी आ सकता है रिलेट करने के लिए कि जीके का क्वेश्चन मैंने करवाया जनरल साइंस का करवाया सिटी रिवर में सिटी रिवर का बताया रिलेशन स्टेट एंड कैपिटल कर लेना कंट्री कैपिटल स्पीसीज एंड साउंड कंट्री करेंसी कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी एंड देन पर्सन एंड ऑक्यूपेशन पर्सन एंड ऑक्युपेशन इनके लिस्ट तैयार कर लूँ और लिस्ट एटलीस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी तो मेजरली कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है ये एटलीस्ट ट्वेंटी मिनिमम ट्वेंटी बोल रही हूँ अगर ये कर लोगे तो एग्ज़ाम में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पता रहेगा कि आंसर क्या आने वाला है क्या होगा आंसर क्या होगा ठीक है तो ये इसको ट्वेंटी लिस्ट तो ज़रूर मेंशन कर लेना अपने कॉपी में याद कर लेना लिख लेना जैसे हो बिल्कुल कर लेना ठीक है